हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ एप्पल कट बेबी गर्ल। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमने क्लाइंट को कुर्सी पे बिठाकर एप्रन पहनाया है एंड हम क्लाइंट से पहले पूछ लेंगे, अगर बच्चा छोटा है तो उसकी मदर से या जो उसके साथ है हम पूछ लेंगे कि किस तरीके से कितना छोटा हेयर कट करना है, उसी हिसाब से हम हेयर कट करेंगे। सबसे पहले हमने स्प्रे कर लिया और पीछे की साइड हम अपनी गाइडलाइन को चूज करेंगे कि हमें कितने बाल काटने हैं। क्लाइंट से पूछ के हमने गाइडलाइन तैयार करेंगे। ये हमारी गाइडलाइन तैयार हो गई, आप देख सकते हैं। हमने क्लाइंट से पूछ के हमारी गाइडलाइन तैयार कर ली कि हमारे को कितना छोटा लेना है। ये हमारा हो गया कि हमें यहाँ कि इस गाइडलाइन के हिसाब से हमें पूरा हेयर कट करना है। हमें बच्चे का जो कट है वो धीरे धीरे करना है ताकि बच्चे को लगे ना, उसका सिर है नीचे की तरफ झुका देना है और हमें धीरे धीरे हेयर कट करना है। नीचे से फिंगर्स में बाल अच्छी तरीके से पकड़ेंगे ताकि बालों की जो नीचे की लेंथ है वो ढंग से कटे। नीचे के अंदर के जो बाल छुपे हुए रहते हैं वो हमारे हाथ में आसानी से आ जाते हैं। हमें धीरे धीरे हेयर कट करना है और देखना है कि कहाँ तक, कहाँ से और कैसे बाल कटेगा। बच्चे का हेड नीचे की तरफ ही रखना है, उसको हिलने नहीं देना है हमें बिल्कुल भी, नहीं तो हमारा हेयर कट बिगड़ सकता है। जितना क्लाइंट ने बताया है उससे 1 इंच बड़ा ही बाल काटेंगे ताकि जब हम नॉर्मल, जब हमारा पूरा हेयर कट हो जाएगा तो जो क्लाइंट की मांग होती है, डिमांड है, हमारा वहीं पे हेयर कट आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं धीरे धीरे इधर, पहले मैंने राइट साइड का किया है पूरा हेयर कट। जितनी जितनी हमें लेंथ काटनी है उतनी पहले मैंने पूरी लेंथ को हटाया है। उसके बाद जो अंदर के नीचे के बाल होते हैं उसको धीरे धीरे मैंने काटा है। हेड शेप नीचे करेंगे ताकि हमारे जो अंदर के बाल हैं वो आसानी से नज़र आ जाएं। हमने अब दाईं तरफ कर लिया, कंप्लीट होने वाला है हमारा दाईं तरफ का। फिर हम बाईं तरफ करेंगे। बाईं तरफ भी ऐसे हमारे पास गाइडलाइन तो है ही सही, हमें धीरे धीरे उसी गाइडलाइन को लेकर के पूरा हेयर कट करना है। आगे का थोड़ा सा जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा हम छोड़ देंगे ताकि जब हम फ्रंट से छोटे करेंगे डायमंड कट की तरह तो हमारा वो शेप सही आ जाएगा। आप देख रहे हैं धीरे धीरे हेयर कट हो रहा है। अब हम बाईं तरफ आएंगे, हमने दाईं तरफ का पूरा क्लियर कर दिया, अब हम बाईं तरफ आएंगे। बाईं तरफ भी हमारी गाइडलाइन जो हमारे पास है हम उसी के मुताबिक पूरा हेयर कट करेंगे। पहले तो हम पूरी लेंथ को ख़त्म करेंगे, लेंथ तक के जितने भी बाल हैं हम उसको पूरा फिनिश कर देंगे। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे उसके बाल कट रहे हैं। अब लास्ट का हिस्सा बच गया है बाईं तरफ का। अब जो उसका सिर नीचे करा के हमने जो अंदर के जितने भी बाल हैं अच्छी तरीके से निकालेंगे और अंदर से लास्ट में उसकी फिनिशिंग टच देंगे हम उसका धीरे धीरे। अब हम फ्रंट की तरफ जाएंगे, हमारा फ्रंट का हेयर कट छोटा रखना है डायमंड कट की तरह, तो हमें इसको आगे से कट करना है। हमें फिर आगे की तरफ जाना पड़ेगा, क्लाइंट के आगे की तरफ जाना पड़ेगा। या तो हम कुर्सी को घुमा सकते हैं या क्लाइंट के आगे की तरफ जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो लास्ट में नीचे के छोटे छोटे बाल रह जाते हैं फिनिशिंग देते वक्त, वो मैं धीरे धीरे हाथों को नीचे से बालों को हाथों से पकड़ते हुए फिनिशिंग टच दे रही ताकि जो अंदर के बाल हैं वो भी बाहर आ जाएं, गुड़िया को लगे भी ना। देखिए दोस्तों, लास्ट में छोटा छोटा बाल बचता है उसके धीरे धीरे हाथों को पकड़ते हुए, बालों पे हाथ रखते हुए हम धीरे धीरे लास्ट का फिनिशिंग टच देंगे। अब हम फ्रंट में आएंगे, फ्रंट के बाल हमें छोटे रखने हैं, आईज के ऊपर रखने हैं, आईब्रो के वहाँ, तो हमें वहाँ पे एक कट मारना है सीधा ही। आपको एंड तक की कटिंग में जब तक आप उसका ड्रायर नहीं करते हैं तब तक आप उसको चेक करते रहिए कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो गया। अब
अगर छोटा बड़ा आपको हल्का सा भी दिखता है तो आप उसको कट को क्लीन करिए, तभी आपका हेयर कट एक प्रॉपर शेप में आएगा, ताकि आपका क्लाइंट भी खुश रहे। हम उसके बावजूद भी बार बार यही चेक कर रहे हैं कि कहीं छोटा बड़ा बाल तो नहीं रह गया है। हल्का सा भी छोटा बड़ा दिखे आप उसको पहले कट करिए, ताकि वो एक प्रॉपर शेप में आएगी हमारी एप्पल कट। इसको एप्पल कट भी बोलते हैं, ब्लंट कट भी बोलते हैं, बेबी हेयर कट भी बोलते हैं। कई बार जो हमारे फ्रंट के जो हेयर होते हैं उसको हमें थोड़ा सा तिरछा छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो क्लाइंट की इच्छा के हिसाब से ही हमें करना पड़ता है। यदि क्लाइंट कहता है नहीं हमें बराबर ही चाहिए साइड से, तो हमें वो एक शेप में ही लेना पड़ता है। अब आप देखिए, हमें आगे से बाल काटने हैं, छोटे करने हैं आगे से, तो हमने थोड़े से बाल लिए फ्रंट के और उसको एक सीधा चॉप कर दिया एक बार में। आप ये देख सकते हैं, धीरे धीरे हमें कटिंग करनी है। हम गाइडलाइन को प्रॉपर लेके चलेंगे तो हमारा हेयर कट अच्छा होगा। ये हमारा बेबी हेयर कट है, बस बच्चों का हेड जो है हमें ध्यान से एक जगह ही रखना है, ताकि बच्चे क्या है अपना सर हिलाए ना। बच्चे अगर सर अपना हिलाते हैं तो हेयर कट अच्छा नहीं होता है। ये मैं वापस से चेक कर रही हूँ, हमें बाईं से दाईं ओर के बालों को, फ्रंट के बालों को, और बाईं ओर से दाईं ओर को, और दाईं ओर से बाईं ओर के भी बालों को एक बार हमें चेक करना है, ताकि बच्चे अगर दाईं ओर मांग निकाले या बाईं ओर मांग निकाले तो बच्चे के जो हेयर हैं वो एक समान ही नीचे की तरफ गिरे। आप ये देख रहे हैं, मैं आखिर में भी नीचे के बालों को चेक कर रही हूँ कि कहीं हल्का छोटा बड़ा बाल तो नहीं रह गया। अगर हल्का सा भी बाल नीचे से रह जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। मैं इसको बार बार चेक कर रही हूँ। अब देखिए, मैं दाईं ओर के बालों को बाईं ओर लेऊंगी और बाईं ओर के बालों को दाईं ओर लेऊंगी, ताकि जो इधर उधर बाल गिरेगा अगर उसमें से भी हल्की सी कटिंग हमें कम करनी है, अगर उसमें से बाल कोई छोटा बड़ा रह गया है तो हमें एक शेप में उसको लाना है। बच्चे के बालों को हटाते भी रहिए, ताकि बच्चे को बाल चुभे ना। बार बार उसके बालों को चेक करते रहिए, आगे से दोनों को एक बराबर में देखिए कि बाल बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर छोटे बड़े दिख रहे हैं तो आप उसको सेम शेप में लाइए। जब आप आगे के बाल काटते हैं तो उसकी शेप, जैसे हम स्टेप्स में करते हैं आगे से लेयरिंग देते हैं, उसी तरीके से हमें देना होता है। आप देख रहे हैं कि बार बार मैं चेक कर रही हूँ, अगर कहीं छोटे छोटे बाल निकल रहे हैं तो उसको फिनिशिंग टच दे रही हूँ मैं। उसको आप क्लाइंट के बालों को आप नीचे से अपने फिंगर्स में दबाइए, ताकि उसके बाद हमें प्रॉपर कटिंग मिलेगी, जो भी एक्स्ट्रा बाल होगा हमें नज़र आएगा। यदि हम हाथ बालों को हाथों में नहीं लेंगे, हाथों से नहीं दबाएंगे लास्ट में, तो हमें प्रॉपर कट नहीं मिल पाएगा। हमें वापस से हल्का सा स्प्रे करना है, एक बार लास्ट फाइनल बार चेक करना है कि कहीं कोई बाल रह तो नहीं गया। अगर रह गया तो फिनिशिंग टच में आप उसको हल्का सा बालों को काट दीजिए, आपका कट एकदम प्रॉपर आएगा। आगे से बच्चे की मांग निकालनी है, ताकि बाल दोनों साइड एक बराबर ही रहे। अब देखिए, मेरे बालों की हेयर कट बिल्कुल एक बराबर ही है, कहीं से छोटा ना कहीं से बड़ा है। जहाँ से अगर आपको लास्ट में अगर छोटा बड़ा दिख रहा है तो उसको फिनिशिंग दीजिए, ताकि आपके कहीं से बाल छोटे कहीं से बाल बड़े नज़र नहीं आए। देखिए, मैं लास्ट में जो अंदर के बाल होते हैं उनको निकाल निकाल के हल्का हल्का सा काट रही हूँ और बराबर शेप में दे रही हूँ। अगर क्लाइंट ब्लो ड्रायर करवाना चाहता है तो आप करिए, अन्यथा ऐसे ही आप उसको छोड़ दीजिए। यदि हमारी कटिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमारे बिना ड्रायर के भी हमारे बाल अच्छे से जम जाएं। आप देखिए, मैं दाईं ओर से बाईं ओर को ला रही हूँ बालों को, ताकि अगर हमारा हल्का सा भी कट छोटा बड़ा है, बाल छोटे बड़े हैं, तो वो हल्के हल्के हम लास्ट फिनिशिंग टच देते हुए काट देंगे। हमने दाईं ओर से बाईं ओर किया बालों को, अब हम एक बार
बाई ओर से दाई ओर भी करेंगे बालों को, ताकि जो उसमें भी हल्की सी कोई हमारे मिस्टेक रह जाती है तो हमारा फिनिशिंग टच हो जाएगा। देखा बच्चा क्या है, बीच बीच में हाथ भी मारता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि कहीं उसके हाथों को या किसी शरीर पे कैंची ना लग जाए। हमें सीजर को ध्यान से चलाना है। अब हमें बाईं ओर से दाईं ओर के बालों को देखना है, सिर्फ फ्रंट के बालों को देखना है। पीछे तो हमारा हेयर कट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो फ्रंट के बाल हैं वही छोटे बड़े नज़र आते हैं बाद में, क्योंकि बच्चा कई बार इस साइड रखता है, कभी दाईं साइड रखता है, कभी बाईं साइड रखता है। ये मैं लास्ट में आगे के बालों को इधर देख करके, दोनों साइड देख करके मैंने फिनिशिंग टच दिया है। अब हमारा हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। जो भी क्लाइंट के गले पर बाल वगैरह, आप उसको साफ कीजिए ताकि उसको चुभे ना। उसके बाद हेयर ड्रायर से बालों को ड्रायर कीजिए। देखिए मुझे कहीं कहीं बाल नज़र आ रहे हैं निकले हुए, तो मैं उसको काट रही हूँ, लास्ट फिनिशिंग टच दे रही हूँ। अगर हल्का सा भी नज़र आता है तो आप उसको छोटा करिए। अब हमारा हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसको हेयर ड्रायर करेंगे, ताकि लास्ट में हमारा जो शेप है, जो एप्पल कट का शेप है, वो प्रॉपर नज़र आए। हमने एक क्लाइंट के बालों को रिमूव कर दिया ताकि उसके गले पे चुभे ना। पाउडर वगैरह से लगा के उसको पाउडर से क्लीन कर दीजिए। आप जब तक पूरा प्रॉपर कट नहीं कर लेते हैं, आपको बार बार बालों को चेक करते रहना है कि आपकी जो कटिंग है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं है। अगर प्रॉपर नहीं हुई है, अगर कहीं से भी छोटा बड़ा बाल दिखता है, तो आप उसको रिमूव करिए। और कई बार हम ब्लो ड्रायर भी करते हैं, तो कई बार ब्लो ड्रायर के बाद भी अगर हल्का सा छोटा बड़ा दिखता है तो आप उसको कट कर दीजिए। देखिए मेरे को लास्ट में भी लग रहा है कहीं ना कहीं से, तो मैं उसको लास्ट में भी रिमूव कर रही हूँ। नीचे से जो छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, कई बार अंदर के बाल अंदर ही रह जाते हैं, तो बाहर जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो लास्ट में छोटा छोटा हेयर कट नज़र आता है, अंदर से प्रॉपर फिनिशिंग हमें नज़र नहीं आती है। ये हमारा हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ब्लो ड्रायर करना है इसका। हमें क्लाइंट पे ब्लो ड्रायर ज़्यादा देर नहीं करना है, सिर्फ शेपिंग देने के लिए कि हमारा हेयर कट कैसा हुआ है, हमें हल्का सा ही ब्लो ड्रायर करना है। आगे से जो हमने बालों को छोटा किया था, आईब्रो के ऊपर लाए थे, लास्ट में उसको भी देखेंगे कि कहीं छोटा बड़ा बाल तो नहीं है। अगर छोटा बड़ा बाल है तो उसको भी ठीक कर देंगे। ये देखिए मैं इनके बालों को सेट कर रही हूँ। ज़्यादा सेट नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, ताकि बाल अपनी शेप में आ जाए। आप इसको ब्लंट कट कह सकते हैं या एप्पल कट कह सकते हैं, एक ही कट के कई नाम होते हैं। आज हमने आपको ये पूरा कट दिखाया है। आप चाहें तो इसको घर पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको पार्लर में भी करवा सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई भी चीज़ पूछनी है कि कट कैसे हुआ, आपको यदि कट समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट द्वारा मुझे बताइए, मैं आपको इसका प्रॉपर आंसर दूंगी कि मैंने इसको हेयर कट को कैसे किया। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि ये कट कैसे हुआ है। सिर्फ हमें गाइडलाइन को लेते हुए कट करना है। यदि हमारी गाइडलाइन हमारे पास है तो हमारा कट प्रॉपर होगा। ये मेरा कट कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको मेरा ये अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं इसका गुड़िया का मैं वीडियो देंगी लास्ट में कि उसका हेयर कट कैसा हुआ, वो कैसी लग रही है। देखिए ये लास्ट कट हो चुका है, अभी फिनिशिंग हो गया इसका लास्ट में।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।